पलवल के फुलवाड़ी गांव में घर बैठे हुए लोगों के ऊपर दूसरे पक्ष के लोगों ने किया लाठी डंडों से हमला, मां बेटे हुए घायल। जानकारी देते हुए बताया गया, ऋषिराज और उसका परिवार उसके घर पर थे। वहां पर कुछ अनजान लोग लाठी डंडे लेकर आए और उन्हें मारना शुरू कर दिया। बिना किसी वजह उन पर ही हमला किया गया, जिसमें उन लोगों को काफी चोटें आई हैं। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही। पलवल के किशोरपुर गांव में सगे भाई ने भाई को भाला मारकर किया घायल, बेटे को भी आई चोट। उपचार के लिए ले जाया गया जिला अस्पताल। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया गया कि पलवल के निकटवर्ती गांव किशोरपुर में दो भाइयों के बच्चों में आपसी कहासुनी को लेकर मामला गर्माया गया। एक भाई ने दूसरे भाई के चेहरे पर भाला मारकर उसको घायल कर दिया, जिसके बाद वहां से वो मौके पर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मीसा गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में पथराव हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के लोगों पर हथियार और पत्थरों से यहां पे हमला करते हुए देखे जा सकते हैं। जवाबी कार्रवाई में दूसरे पक्ष के लोग भी पथराव करते नजर आ रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वीडियो की सहायता ली जा रही। आगरा कैनाल में छज्जू नगर के पास किसी ने 8 से 10 गोवंश को नहर में फेंका। सूचना पर गोरक्षक गायों को निकालने के लिए मौके पर पहुंचे। जब वो वहां पर पहुंचे तो उसमें से करीब 7 गाय मर चुकी थी। तेज बहाव के कारण, भंवर में फंसने के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी थी, जबकि 3 गाय जो वहां पर जिंदा दिख रही थी उनको जब तक निकालने के प्रयास के लिए कोई इक्विपमेंट वहां पे आ पाते वो भी वहां पर अपना दम तोड़ चुकी। डकौरा मोड़ छज्जू नगर के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोग हुए घायल, एक की हालत गंभीर। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल व्यक्ति होशंगाबाद गांव का रहने वाला है। इसका नाम किशोर उप वकील है। उसका कहना है कि वह पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा के अब वहां पर आया था। अज्ञात वाहन ने उसको वहां पे टक्कर मार दी। उसको नहीं पता कि किस तरह से उसका एक्सीडेंट हुआ है। खिरबी गांव में हर घर जल योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने का कार्य शुरू। इस योजना की शुरुआत 2020-21 के बजट में की गई थी, लेकिन उसको लेकर सुचारू रूप से कार्य हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने का कार्य शुरू हो गया है। पलवल सीएमआर कंपनी में काम करने वाले सुपरवाइजर पर कुछ दिन पूर्व निकाले गए युवकों ने किया जानलेवा हमला। इलाज के लिए जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सुपरवाइजर का नाम राजेंद्र है। राजेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 15 दिन पहले उसने 2 व्यक्तियों को कंपनी से निकाला था। तो कंपनी से कर्मचारियों को निकालते समय उन्होंने धमकी दी थी कि आपको हमें यहाँ से निकालना भारी पड़ेगा। बीते शुक्रवार को जब वो कंपनी से नेशनल हाईवे पर आ रहा था तो वहां पर उस पर जानलेवा हमला किया। पलवल नगर परिषद ने चलाया बिजली के खम्भों पर लगे हुए फ्लैक्स बैनर होर्डिंग को हटाने का अभियान। हजारों फ्लैक्स हटाए गए। जानकारी देते हुए बताया गया कि किसी समाज सेवी की शिकायत पर नगर परिषद की तरफ से यह अभियान चलाया गया। टूरिज्म कॉम्प्लेक्स डबचे होटल में आयोजित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की मीटिंग में जिला प्रधान राजेश शर्मा व जिला सचिव योगेश शर्मा ने होटल ब्लॉक की कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया। बैठक की अध्यक्षता प्रधान उदयवीर सरोत ने की और संचालन ब्लॉक सचिव देवेंद्र नंबरदार ने किया। तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कर्मचारी लगे हुए केंद्र की सरकार में 2004 के बाद प्रदेश में 2006 के बाद उनकी पेंशन 2004 से पहले पेंशन के बराबर क्यों नहीं होनी चाहिए।